और इनके ही काल में बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का ऐसा हाल हुआ है कि टॉप 200 की सूची में, विश्वविद्यालयों की सूची में बिहार का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है और टॉप 200 कॉलेजों की सूची में बिहार का एक भी कॉलेज शामिल नहीं है। छात्र अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक को नहीं जानते हैं, वो अपने कॉलेज विश्वविद्यालय के किरानी चपरासियों को जानते हैं जिनके माध्यम से वो परीक्षा का फॉर्म फिलअप करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने आते हैं। लालू प्रसाद यादव, उनका शासन देखा जाए तो 1990 से 2005 तक रहा, और नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2023 अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों जो हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हुए हैं। और युवाओं को उन्हें बताना होगा कि आखिर क्या कारण थे कि वो जिस विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज से पढ़े, वो उस समय इतना उम्दा कैटेगरी का हुआ करता था कि जहां से राजनीति करके वो मुख्यमंत्री, रेल मंत्री तक बन गए, और आज वही कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे हो गए हैं जहां पर वो तीन साल में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा नहीं कर पाते। छात्र जो हैं वो बस डिग्री के लिए वहां जाते हैं, और 3 साल की डिग्री 5-5, 6-6 सालों में यहाँ मिलती है, जिसको लेकर कई बार यहाँ आवाज भी उठ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। कल शिक्षा विभाग यानी कि देश की शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी का नेशनल रैंकिंग जारी किया गया। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि बिहार के एक भी विश्वविद्यालय, कॉलेज टॉप 100 की सूची में नहीं है। इवन अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज की बात की जाए तो 200 की सूची में भी बिहार के किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। जबकि आपको बताएं कि विश्वविद्यालय की अलग सूची निकली हुई है और कॉलेजों की अलग सूची निकली हुई है। बिहार से कुछ नाम है जो कि केंद्रीय संस्थाओं के नाम हैं। IIT पटना का 66वां स्थान है, इंजीनियरिंग की श्रेणी में 56वां स्थान NIT पटना का है। फिर से आपको बताएं, मेडिकल की सूची में एम्स का है 27वां स्थान है, और मैनेजमेंट की सूची में 55वां स्थान देश में है IIM बोधगया का। और ये सभी जो हैं केंद्रीय संस्था हैं जो कि बिहार में हैं। यानी कि बिहार में एक भी विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं है जो कि 200 सूची में अपना देश में स्थान रखें। जबकि आपको पता है कि एक समय में बिहार के विश्वविद्यालय पूरे देश में अपना नाम रखते थे, दूसरे प्रदेशों से छात्र आते थे बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए, खासकर पटना विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज, साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, पटना कॉलेज, ऐसे कॉलेज हुआ करते थे जिसमें पढ़ना छात्रों का सपना हुआ करता था। लेकिन देखिए आप कि जिस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र पिछले 33 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं, उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों की क्या दुर्गति की। लालू प्रसाद यादव, उनका शासन देखा जाए तो 1990 से 2005 तक रहा, और नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2023 अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों जो हैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हुए हैं। दोनों पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में भाग लिए, छात्र राजनीति में भाग लिए ताकि कॉलेज, विश्वविद्यालय और छात्रों के जीवन में सुधार हो, और उसी की बदौलत ये लोग मुख्यमंत्री तक बने। और इनके ही काल में बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का ऐसा हाल हुआ है कि टॉप 200 की सूची में, विश्वविद्यालयों की सूची में बिहार का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, और टॉप 200 कॉलेजों की सूची में बिहार का एक भी कॉलेज शामिल नहीं है। कैसा दुर्भाग्य है ये। और हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि बिहार के विश्वविद्यालय, कॉलेज खंडहर बन चुके हैं, यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है, 3-3 साल से बहालियाँ चल रही हैं, और बहाली में इंटरव्यू बेस्ड बहाली है, और उसमें भी हाई कोर्ट से स्टे लग जाता है। कितने विश्वविद्यालय के कितने विभाग हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, एडहॉक बेसिस पर रखे जा रहे हैं, और छात्रों का विश्वविद्यालय से पूरी तरह से मुँह जो है वो मुड़ चुका है, गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो चुकी है। छात्र अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक को नहीं जानते हैं, वो अपने कॉलेज विश्वविद्यालय के किरानी चपरासियों को जानते हैं जिनके माध्यम से वो परीक्षा का फॉर्म फिलअप करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने आते हैं। यानी कहा जाए तो पठन पाठन का कार्य पूर्णतः खत्म है। और बिहार में बातें होती है
चहुमुखी विकास की, सुशासन की सरकार की, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और जो उनको सपना दिखा रहे हैं वो भी 15 साल शासन किए हैं यहाँ पर। आखिर कौन सा चेहरा लेकर वो देश के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे? कौन सा विकास इनके द्वारा बिहार में किया गया कि आज बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में से, संस्थानों में से, रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक भी बिहार सरकार का इंस्टीट्यूट, कॉलेज, विश्वविद्यालय देश के 200 जो टॉप अच्छे विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं उसमें शामिल नहीं है। स्थिति तो ऐसी हो गई है कि बिहार में नैक जो ए होता है उस कैटेगरी का कोई कॉलेज नहीं है। ए प्लस प्लस जो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज का हुआ करता था वो आज जो है बी और सी कैटेगरी में आ चुके हैं। तो देखिए आज सूची प्रकाशित हुआ है, कल किया गया केंद्रीय शिक्षा विभाग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो संस्था उसके अंतर्गत ये रैंकिंग होती है और उसमें दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार के एक भी कॉलेज या विश्वविद्यालय उस श्रेणी में नहीं है। वास्तविकता भी यही है कि यहाँ के विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थिति खस्ता हाल है। छात्र जो हैं वो बस डिग्री के लिए वहाँ जाते हैं और 3 साल की डिग्री 5-5, 6-6 सालों में यहाँ मिलती है, जिसको लेकर कई बार यहाँ आवाज़ भी उठ चुकी है। तो दुर्भाग्य है कि बिहार में छात्र राजनीति बिहार के शिक्षा को लेकर डूबने वाली ही साबित हुई कि जो छात्र जिस विश्वविद्यालय के चुनाव के दम पर अध्यक्ष चुने गए, बाद में राजनीति में आए और मुख्यमंत्री और देश के बड़े बड़े पद संभाले, उन्हीं के शासनकाल में बिहार के विश्वविद्यालयों में ताला लगने की स्थिति आ गई है। और आज देखिए कि यही दो दल जो हैं आज देश में प्रधानमंत्री और देश की राजनीति के लिए आज कमर कस रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? लालू यादव 15 साल वो मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों मिलकर देश का विकास करने की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार उनका राज्य, जहां से पढ़े, जिस कॉलेज, जिस विश्वविद्यालय, उसका स्थिति खस्ता हाल है। आज वहां पर छात्र जो हैं बस नाम के लिए, एडमिशन कराने के लिए, डिग्री लेने के लिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से चौपट हो चुका है। तो ये नेशनल रैंकिंग जो है इस पर भी बिहार सरकार को गौर करना चाहिए और युवाओं को उन्हें बताना होगा कि आखिर क्या कारण थे कि वो जिस विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज से पढ़े वो उस समय इतना उम्दा कैटेगरी का हुआ करता था कि जहां से राजनीति करके वो मुख्यमंत्री, रेल मंत्री तक बन गए और आज वही कॉलेज और विश्वविद्यालय ऐसे हो गए हैं जहां पर वो 3 साल से अपने 3 साल में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा नहीं कर पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये काफी हतोत्साह करने वाला है और बिहारी युवाओं के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है, जो कि उच्च शिक्षा चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। और इस विश्वविद्यालय कॉलेजों में आखिर कौन जाते हैं? वही लोग जाते हैं जिनकी ये राजनीति करते हैं, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग, क्योंकि विश्वविद्यालयों में फीस कम लगता है। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि जब यहाँ के संस्थान ही जब देश में अच्छा स्थान नहीं ला रहे हैं अपने पठन पाठन में, तो उनके छात्र कैसे रहेंगे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसजनक है। रैंकिंग देखकर हमारी आंखें ये खोजते रह गई कि बिहार के कोई कॉलेज और विश्वविद्यालय इन सूची में हो, ऐसा नहीं हुआ। जो सूची में हैं भी वो केंद्रीय संस्था हैं, IIT जैसे संस्था हैं, NIT जैसे संस्था हैं, IIM जैसे संस्था हैं, एम्स जैसे संस्था हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।